आज लॉकडाउन का 20वां दिन, मरकजी हुकूमत की तरफ से नाफिज लॉकडाउन के 21 दिनों की मियाद कल 14 अप्रैल को हो रही है खत्म। कल सुबह 10 बजे वजीर आजम मोदी मुल्क के नाम करेंगे खिताब। हालात की संगीनी के मद्देनजर लॉकडाउन की मुद्दत में तौसी के जताए जा रहे हैं कवी इम्कानात। मुल्क में मुसलसल बढ़ता जा रहा है कोरोना का कहर, 24 घंटों में 796 नए मामलात की हुई तस्दीक, 35 अफराद हुए हैं हलाक, अब तक 2,06,212 लोगों के किए जा चुके हैं टेस्ट, वजारत सेहत ने दी जानकारी। एक दिन के तहत देखें तो 796 पॉजिटिव केसेस एडिशनल आए हैं और इसके साथ ही टोटल 35 एडिशनल डेथ देश में रिपोर्ट की गई है। कुल 9,152 तक पहुंची कोरोना इन्फेक्शन मरीजों की तादाद, 308 मरीजों ने अब तक कोरोना से तोड़ा है दम, 857 लोग इलाज और मुआलजे के बाद लौटे हैं घर। अगर पॉजिटिव केसेस और रिपोर्टेड डेथ की स्थिति अगर हम देखें तो टोटल 9,152 पॉजिटिव केसेस आए हैं, टोटल 308 डेथ रिपोर्ट हुई हैं, अब तक अराउंड 857 लोग रिकवर हो चुके हैं। दिल्ली के एक निजी हॉस्पिटल में कोरोना ने ढाया सितम, कोविड-19 मरीजों के बाद जद में आए डॉक्टर और दो मेडिकल स्टाफ, हॉस्पिटल में ड्यूटी पर तैनात पुलिस एहलकार तक कोरोना से हुआ मुतासिर। महाराष्ट्र में 1,985 तक पहुंचा कोविड-19 से इन्फेक्शन मरीजों का आंकड़ा, सबसे ज्यादा 149 लोगों की हुई मौत, अब 30 अप्रैल तक रियासत में बढ़ा दिया गया है लॉकडाउन। उत्तर प्रदेश के भदोही से सामने आई दिल दहला देने वाली खबर, लॉकडाउन के सबब मारे फाका की एक खातून ने किया इंतहाई इकदाम, अपने 5 मासूम बच्चों को गंगा नदी में फेंक कर खुद भी छलांग लगाकर की खुदकुशी की कोशिश, 3 और 6 साल मासूम समेत सभी 5 बच्चे नदी में हुए गर्क, खातून तैर कर पहुंची किनारे, घरेलू अखराजात को लेकर परेशान थी खातून, शवार से पैसा मांगने पर दोनों के दरमियान हुई थी बहस। मुल्क में कोरोना वबा के बीच राजस्थान के कोटा से सामने आई हैरान कुन तस्वीर, कुछ खवातीन घर घर पहुँच कर कंपाउंड में थूकती आई नजर, प्लास्टिक थैलियों में थूक कर कंपाउंड में फेंकती सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई खवातीन, इंतजामिया ने पूरे इलाके को किया सैनिटाइज, पुलिस भी मामले की जांच कर खवातीन को कर रही है तलाश। दारुल हुकूमत दिल्ली समेत कई करीबी इलाकों में फिर से महसूस किए गए जलजलों के हल्के झटके, 2.7 रिक्टर स्केल पर दर्ज किए गए झटके, सभी अपने घरों में बंद रहने से इलाके में नजर आया खौफ और दहशत का माहौल, एक दिन कब्र भी झटकों से हिल गई थी दारुल हुकूमत। लॉकडाउन के बीच हुकूमत ने मुल्क में मुकीम गैर मुल्कियों को दी राहत, 30 अप्रैल तक गैर मुल्कियों की वीजा की मुद्दत में की गई तौसी, नहीं वसूली जाएगी तौसी की कोई फीस, ऑनलाइन देनी होगी दरखास्त। कर्नाटक में आज फिर 15 कोरोना इन्फेक्शन के नए मामलात की हुई तस्दीक, 247 तक पहुंचा कोविड-19 मरीजों का आंकड़ा, 6 की हुई मौत, 59 अफराद सेहतयाबी के बाद हुए डिस्चार्ज। कर्नाटका स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने कोरोना की रोकथाम और बचाव के लिए किया अनोखा इकदाम, पुराने और कबाड़ में डाले गए बसों को सैनिटाइजर बसों में तब्दील करने का बनाया मंसूबा, बसों में दवाई के छिड़काव का बनाया जाएगा इंतजाम, बेंगलुरु में मंसूबे का पेश किया गया एक नमूना। कर्नाटक में कोरोना के फैलाव के मद्देनजर रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जुमरों में किया गया है तकसीम, जिला शुमाली केंद्र समेत कुल 11 इलाकों को रेड जोन में किया गया है शुमार, 6 या उससे ज्यादा कोरोना मरीजों वाले इलाकों को रेड जोन तो 6 से कम मरीजों वाले इलाके को करार दिया जा रहा है ऑरेंज जोन, मशकूक या कोरोना फ्री इलाकों को ग्रीन जोन में किया गया है शामिल। भटकल में जमात इस्लामी हिंद और HRS ने तालुका जनरल एसोसिएशन के इश्तराक से किया इकदाम, तालुके के 2 मजाफती इलाकों में पहुंचकर बिला तफरीक मजहब और मिल्लत सभी लोगों में तकसीम किए जरूरियात जिंदगी से जुड़ी अशिया, गांव वालों ने अहले खैर हजरात का इस्तकबाल कर कबूला हदिया, अब पूरी तरह नाकाम होता नजर आ रहा है शरपसंदों का हिंदू मुसलमान का पैंतरा।